मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, संस्थापक अध्यक्ष संस्था ज्वाला। हमारा ये आज का कार्यक्रम था आप सबको सूचित करने के लिए कि 15 दिसंबर को सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में भारत के 50 शहरों में एक साथ महिला सुरक्षा के विषय पर एक साइकिल रैली आयोजित करी जा रही है। इसमें आपने बोला महिला सुरक्षा को लेकर के, जिस तरीके से महिलाओं के साथ आए दिन आप देख भी रही हैं टीवी चैनलों पे कितनी वारदातें हो रही हैं, इनको कंट्रोल कैसे होगा? जी मैम, हम लोग पिछले 8 वर्षों से, 2012 से ज्वाला का जन्म हुआ था, पिछले 8 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का टैगलाइन है कि अब कैंडल मार्च नहीं होगा, अब सैंडल मार्च होगा। तो हम लोग स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज, जहाँ कोई हमको आमंत्रित करता है हम जाते हैं और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। अब तक के सफ़र में हम 2 लाख से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा चुके हैं। दूसरा एक कार्यक्रम है जिसमें हम पुरुषों से चर्चा करते हैं, जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि मेन जरूरत है पुरुषों को जेंडर सेंसिटाइज होने की, लड़कियों को भी ज़रूरत है लेकिन लड़कों को भी ज़रूरत है। तो हम चर्चा करेंगे लड़कों से, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे और मैं रक्षक होने की शपथ दिलाएंगे, क्योंकि जो रक्षक है वो भक्षक नहीं बनेगा। और तमाम महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा, मैम, जो महिलाएं होती हैं डर जाती हैं, सहम जाती हैं, अपनी समस्याएं बताना नहीं चाहती, कुछ तो बदनामी के डर से। मैं एक बात कहती आई हूं कि आवाज़ की बुलंदी आपका सबसे बड़ा पहला हथियार है, जिससे जो गुनाह करता है उसको और बढ़ावा मिलता है। अपनी रक्षा जो स्वयं नहीं कर पाएगा वो किसी और की रक्षा नहीं कर पाएगा। अत्याचार करने वाला यदि पापी है तो सहने वाला महापापी है। अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखिए, सिर उठा के चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी नहीं रोक सकती।